स्वागत आप सभी का। तो मोदी सरकार भले ही अपने सपने को पर लगाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही हो, लेकिन इन सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों, आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। मोदी सरकार भले ही समंदर में शहर बसाने की तैयारी कर रही हो, लेकिन इस सपने को पर लगने के लिए कई बड़ी चुनौतियों को पार करना है। उन चुनौतियों में सबसे ऊपर है आंतरिक सुरक्षा। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में हुई आतंकी वारदात ने पर्यटकों को डरा दिया है। मोदी सरकार का समंदर में शहर बसाने और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करना होगा। भारत में बढ़ती आतंकी घटनाओं के मद्देनजर अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश समय समय पर अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके सचेत करते रहते हैं। आखिर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को ठीक किए बिना विदेशी टूरिस्ट का दिल कैसे जीता जा सकता है? सिक्योरिटी इश्यू तो है ही है। अब पीछे जो बॉम्बे में अटैक हुआ 26/11, सी रूट से ही तो लोग आए, तो सिक्योरिटी है। हमारा कोस्ट गार्ड एक है, कितना वो सी शोर को कवर कर सकेगी? तो सिक्योरिटी रिस्क तो बिल्कुल है इसमें। सरकार विदेशी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करती है, ऐसे में डोमेस्टिक टूरिज्म पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई राज्य ऐसे हैं जिनकी अधिकतर आय टूरिज्म के जरिए ही होती है, ऐसे में इन राज्यों पर खास ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? बीचेज हैं, अच्छे बीच हैं, उनको डेवलप करें तरीके से, उसमें एनवायरमेंट को इंटैक्ट रखते हुए तो काफी टूरिस्ट आएंगे। पूरे देश में टूरिस्ट टास्क फोर्स बनाने की प्रक्रिया को तेज करने की बात की जाती है, पर सरकार इसमें भी कोई तेजी नहीं दिखा रही। जानकार मानते हैं कि टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए ऐसी डेडिकेटेड सुरक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत है, जहां उन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षा दी जा सके। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको बीफ अप करना बहुत जरूरी है, मैं आपसे इसमें सहमत हूँ, और इसके लिए ही हेल्पलाइन बनाई गई है। और ये हेल्पलाइन अभी तो इंग्लिश और हिंदी में है, पर आने वाले दिनों में एक साल के अंदर अंदर ये वर्ल्ड की 12 लैंग्वेजेस में हो जाएगी। तो अगर चाइनीज में कोई बोलेगा तो उसको चाइनीज में जवाब मिलेगा, जापानी में बोले। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था